मेरी 13 साल की उम्र थी जब मेरे अबू ने मुझे लिख के दिया। उन्होंने जताया अबू के सबके ताया भी उन्होंने मेरे से इतना घटिया काम किया 5 दफ़ा। जब मुझे मेरे घर वाला मारता था और कहता था हम तुमसे तुम्हारे बाप का बदला ले रहे हैं, मैंने क्या ऐसा किया था जो मुझसे वो बदला ले रहे थे। और अबू ने मुझे बिजली की तारों से मारा और मेरे जो कपड़े थे उनमें से पैसे डाल देती अपनी दुकान से उठा के। ये सौतेली माँ करती थी आपके? जी ये मेरे साथ सौतेली माँ करती। कोई रिश्ते ऐसे भी सफाक हो सकते हैं कि अपने सगे रिश्ते जिनको हम अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं, जिन पे हमें भरोसा होता है कि हम बुरे वक्त में हुए, मुश्किल हालात में हुए, तो यही वो रिश्ते हमारे जो है हमें तहफ़ुज़ फ़राहम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं अलीशा इन्फो टीवी। इस वक्त मैं कोड फ्रीत रोड स्टार वेलफेयर के शर्टर होम में मौजूद हूँ, हवा शर्टर। बच्ची मेरे बराबर में बैठी हैं, इनका नाम सदफ़ है और ये सारी आप बीती इन्हीं की है। क्या बीता, क्या हुआ, इतनी छोटी सी उम्र में इतने जुल्म है, इतने जुल्म का शिकार हुई और आज ये हवा शेल्टर होम में पनाह लेके बैठी हुई है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सदफ़ है, मैं मियानी से हूँ, मेरे 5 भाई हैं। हम जब छोटे थे मेरे अम्मी अबू की लड़ाई हुई है, मैं एक बहन हूँ, मेरे 5 भाई हैं। तो मेरी अम्मी अबू की लड़ाई हुई और मेरे अबू ने मेरी अम्मी को डाइवोर्स दे दी, वो अपने घर चली गई। तो जब मेरे अबू ने दूसरी शादी की उसको भी मारना पीटा शुरू कर दिया, वो चली गई छोड़ के हमें। फिर अबू ने तीसरी शादी की, जब तीसरी शादी की बेटी हुई तीसरी शादी में से अबू की, तो मेरी अम्मी ने अबू को ये कहना कि इसका गला दबा रही थी, अभी वो 9 दिन की भी नहीं हुई थी और मैं इल्ज़ाम लगाया गया। और अबू ने मुझे बिजली की तारों से मारा और मेरे जो कपड़े थे उनमें से पैसे डाल देती अपनी दुकान से उठा के। ये सौतेली माँ करती थी आपके? जी ये मेरे साथ सौतेली माँ करती थी और कहती थी ये चोरियाँ करती है। अबू मुझे पानी वाले पाइपों के साथ आज तक मेरी कमर में निशान मौजूद है। तो मेरे अबू पानी वाले पाइपों के साथ जो बिजली वाले तारे होते हैं उनके साथ मारते थे और मेरे पे जुल्म करते थे। फिर अबू ने मुझे लिख के मेरे ताया अबू शमीर को दे दिया और उन्होंने अबू ने पहले आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और अभी आप कितने साल की हैं? उस वक्त मेरी 13 साल की उम्र थी जब मेरे अबू ने मुझे लिख के दिया। मेरे अबू ने मुझे लिख के दिया, ताया अबू ने कहा मैं इसको बेटी बनाऊँगा। जी सगे ताया अबू थे। तो फिर वो मुझे अपने घर लेके गए। अबू ने मुझे थाना मैनी में लिख के दे दिया कि आज के बाद ये मरे जिए, मेरा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मेरे अबू ने मुझे लिख के दे दिया। फिर मेरे अबू शहर ही छोड़ के चले गए। फिर मेरे ताया अबू ने एक उनका बेटा था 45 साल का था, उसके एक जी मेरे कज़न थे उनका, वो 45 साल उनकी एज थी और मेरी उस वक़्त 13 साल की थी। तो मेरे ताया अबू ने जाली निकाह का कह के मेरा निकाह नहीं हुआ। वैसे उन्होंने एक बंदा था और उसको उन्होंने कहा ये वकील है या उसका स्टाम्प पेपर बना के मैं। उस वक्त आपकी उम्र 13 साल थी जी, जी जब आपकी उम्र कितनी है? अब मेरी 15 साल है। तो निकाह तो उस टाइम भी नहीं हो सकता था और निकाह आपका अभी भी नहीं हो? नहीं निकाह नहीं मेरा हुआ, निकाह नहीं। वैसे इन्होंने ये फ्रॉड किया है और फिर इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया और इन्होंने मैं उनके घर रह गई क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था ना, मुझे इस जगह का पता था कि मैं यहाँ पे आ जाती तो मुझे इस जगह का नहीं पता था। फिर मैं 2 साल बहुत मुश्किल से मैंने गुजारा किया और मेरे जो ताया अबू थे सगे ताया अबू उन्होंने मेरे साथ इतना घटिया काम किया 5 दफ़ा। जब मैं अपने घर वाले को बताती थी, मेरी ताई अम्मी को भी पता, जब मैं अपने घर वाले को बताती थी वो मुझे मारता था पीटता था और कहता था तुम मेरे बाप पे इल्ज़ाम लगा रही हो। अगर मैं अपने ताया अबू की बात नहीं मानती वो मुझे कुल्हाड़ियों से मारता, ये दातरी के अभी मेरे मुँह पर निशान है, कुल्हाड़ियों से मारता, दातरियों से मारता और डंडों से मारता, कहता तुम मेरी बात नहीं कि मुझे खेतों में लेके जाता इस काम के लिए, अगर मैं उसकी बात ना मानती मुझे मारता था। मैंने अपने उसको हस्बैंड जो नहीं था तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है 5 दफ़ा। तो उसने कहा ये तुम झूठ बोल रही हो कि तुम ये झूठ बोल रही हो। फिर उसने मुझे कहा कि तुम मेरे से तलाक ले लो और मेरे बाप के साथ निकाह कर लो। मैंने कहा कि ना मेरा निकाह ही नहीं हुआ आपसे और मैं तलाक कैसे लूँ। चाचू से जी जी मैंने उनको बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, उसने मेरा साथ नहीं दिया और मैंने अपने घर के 4-5 लोगों को बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है। मेरे जो ताया अबू थे वो बहुत ही कमीने, उन्होंने हज भी किया हुआ, उमरा भी किया, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा काम करते थे। फिर मेरे अबू को बैठ से पता चला कि सदफ़ के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरे अबू ने मुझे लेने के लिए आए और अबू मुझे मारते थे। मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकती। मेरे अबू ने कहा मुझे पता था तुम्हारे साथ ये सब कुछ होना है इसलिए मैं तुम्हें लिख दिया था, अब मैं तुमसे वो बदले लूँगा। जब मुझे मेरे घर वाला मारता था और कहता था हम तुमसे तुम्हारे बाप का बदला ले रहे हैं, मैंने क्या ऐसा किया था जो मुझसे वो बदला ले रहे थे।
जी उसके बाद भी उन्होंने लिख के दे दिया, वो मुझसे बदला ले रहे थे। मेरी जो सौतेली माँ थी उसके एक बेटी और एक बेटा है, वो कहती थी अगर आपने इनको रखना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर आपने मुझे रखना है तो फिर इनको सबको। जी मेरे जी उनको पता है, उनको सब कुछ पता है। वो मेरे अबू ने उनको भी निकाल दिया, वो कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, किसी का ना घर है ना कोई और टिकाना है जो मुझे लेके जाए। अब आप यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पे मैं गाड़ी पे आई, घर से निकली, मुझे उस दिन मारा था, मेरे ताया अबू ने मेरे साथ गलत काम किया, फिर मैं तंग पड़ गई। और फिर मैं जब आई मैं भेरा से मैं गाड़ी पे बैठी सरगोधा में, उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे किराया मांगा, मैंने कहा मेरे पास किराया नहीं, उन्होंने पहले मुझे गाड़ी से निकाल दिया, फिर एक खातून थी उसने मेरा किराया करके उसने मुझे सरगोधा में भेजा। फिर मैं लाड़ी अड्डे बैठ के सड़क पर रो रही थी, तो एक ना खातून थी रिक्शे पे बैठी थी, उसने मुझसे पूछा बेटा आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं और सड़क पे बैठी? तो मैंने कहा कि मैंने उसको कहा कि मैं ऐसे से मेरा कोई घर नहीं है, कोई मेरे माँ बाप नहीं है, मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ, लावारस हूँ। फिर उसने मुझे यहाँ हवा शेल्टर होम में बाबा शफीक डोगर के घर मुझे लेके आई, और मैं अब यहाँ यहीं पर रहना चाहती। मैं 14 अगस्त वाले दिन आई थी 10 बजे। जी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बाबा शफीक डोगर और मैडम रिफतानी मुझे अपनी बेटियों की तरह रखती, और मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। अभी क्यों, आगे क्या मतलब है कि क्या इंसाफ चाहिए या? मुझे इंसाफ चाहिए और उनके खिलाफ मुझे केस लड़ना है और उन सबको सजा देनी है। सर क्या कहना चाहेंगे कि मेरे तो बिल्कुल अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। जैसे बेटा आप कह रही हैं कि इसके लिए कोई अल्फाज मेरे पास नहीं है, ना अल्फाज मेरे पास है। आज मैं सिर्फ SHO के पास बहुत सारे केस आते होंगे, मगर थाना मियानी के SHO जो हैं उनसे मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इस केस को सिर्फ एक इंसानियत की नज़र से ज़रूर देखें कि क्या 13 साल की हमने इसलिए मेहनतें की हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी मेहनतें की हैं, जो इतने कानून हमने बनवाए पंजाब लेवल पर, कि 18 साल का बच्चा अब जो परवेज लाई की हुकूमत में, अब जो इमरान खान की हुकूमत में जो निकाह रजिस्टर आ रहा है, मैं आपको मीडिया को, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि शनाख्ती कार्ड का नंबर जब तक शनाख्ती कार्ड नहीं होगा लड़के का और लड़की का, उस वक्त तक निकाह नहीं हो सकता, और निकाह रजिस्ट्रार उसको इंदराज करवा सकता है। दूसरा, ना ही कोई मौलवी उसको पढ़ा सकता है, और ना ही गवाह जितने भी हैं उनके तमाम के आईडी कार्ड होने चाहिए, चाहे अगर वकील मुकर्रर होता है तो उसके भी आईडी कार्ड वो होने चाहिए। तो सवाल ये है कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो वायलेशन है वो इससे पहले तो ये है कि 13 साल की बच्ची का एक झूठा फर्जी स्टाम्प पेपर पर बच्ची को डरा कर 2 साल, मैं ये निकाह नहीं समझता, इसको मैं समझता हूँ कि ये एक ज्यादती करते रहे हैं और ये एक गुना करते रहे हैं बाप बेटा। इनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। आज मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक छुरी से, एक हाड़ी से और एक बंदूक से इसको ये 2 साल इसके साथ जबरदस्ती, मैं ये कहूँगा कि ये करते रहे, और इनका बिल्कुल मुतीक नहीं है कि ये बाहर आए और इनकी कोई जमानतें कराने वाला इनके कोई वकील भी बने इनका। और मैं SHO मियानी को और DPO सरगोधा, अच्छे इंसान हैं और SHO साहब भी बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूं उनको, मगर उनको अभी तक इस केस के बारे में शायद नहीं पता है। हमने एप्लीकेशन भेजी है, हमारा सिस्टम क्योंकि ख़राब है, ईमेल की है हमने, DPO को भी मेल की है, तो शायद उनको मिली है, नहीं मिली है। कल हमने इसको वायरल किया, फिर ग्रुपों में वायरल किया, तो अभी हम इसको बाज़ाब्ता तरीके से वो करेंगे इंशाल्लाह। मैं पुलिस से भी उम्मीद अच्छी रखता हूँ और ऐसे केस में। मैं यहाँ पे आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाह रही हूँ, माशाल्लाह आपका जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ हैं उसमें मेरे ख्याल में क्या, मुझे यकीन है कि आपका सबसे ऊपर नाम आता है। अगर ये आपकी पनाहगाह भी नहीं होती तो फिर ये ऐसी बच्चियाँ कहाँ जाती? क्या आए दिन जो बच्चियों के केस आपके पास आए रहते हैं तो इसकी रोकथाम नहीं हो सकती? वैसे तो हम इतने जदीद हो गए, इसलिए हम बहुत आगे निकल चुके हैं, सोशल मीडिया देखो तो हम बड़े बाशऊर हो चुके हैं, लेकिन आज भी बच्चियों के मामले में हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, वो पुराने ज़माने में जब बच्चियों को दफना दिया जाता था। देखिए मैं आपको अलीशा इस बात से ये कहूँगा
कि आज से कोई 5-6 दिन पहले एक और केस मेरे पास आया जो थाना झावरिया का था। उस लड़की को 3 फायर लगे हैं उस माँ को, एक उसकी बच्ची जो है 2 महीने की है और बेटा उसका जो है ना वो 1.5 साल का है, यानी कि उसके खामंद ने 3 फायर उसको ऐसे सीधे मारे हैं। और फिर मेरी उस SHO साहब से भी बात हुई है झावरिया में, फिर जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे भी मेरी बात हुई है, मुजाहिद उसका नाम है, तो मुजाहिद मुझे बता रहा है कि हमने कॉल जो चलाई है वो मर्डर की चलाई और फिर कुल्हाड़ियों के वार किए हैं उसको 6। मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं कि वो मर गई, मगर आज अल्लाह ताला जिसको ज़िंदगी देता है वो आज जिंदा है और सिविल अस्पताल में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी आवाज़ को भी आप उसकी बुलंद कीजिएगा, उसके पास जाइएगा, कल जाइएगा, परसों जाइएगा, उसका टाइम निकाल के उस खातून को ज़रूर आप देखें कि उसके सर में कितनी कुल्हाड़ियाँ हैं, उसके जिस्म पर कितनी कुल्हाड़ियाँ हैं और कितने फायर लगे हुए हैं और आज वो बची हुई है। और इस किस्म का ये रुकना वाला सिस्टम जो है, आप ये देख लें हमारे यहाँ, यहाँ पे केस आते हैं, केस चले जाते हैं, मीडिया की आवाज़ बनते हैं। हमें, मैंने कल इस पे बड़ा एतराज़ किया कि इसकी तस्वीर बच्ची की वायरल ना हो, इसका नाम वायरल ना हो, और बहुत सारे दोस्तों ने भी ये कहा भी है, मगर जब तक मीडिया को इंटरव्यू भी ना दिया जाए और जब तक उसको नाम भी ना दिया जाए तो उस वक्त तक भी ये बात वो कहते हैं कि जी नहीं हमें दें, हमें ये चीज़ें भेजें, तस्वीरें भेजें, नाम भेजें। अब ये सारा कुछ इसकी, फिर इससे बात की, इसने कहा जी मेरा नाम भी दे दें, मैं इंटरव्यू भी देने के लिए तैयार हूँ सारा कुछ, क्योंकि इसकी रजामंदी से ये हमने किया। मैं ये समझता हूँ कि रुकने का ऐसे ही हो सकता है कि इसके जहाँ मुदई, ये ऐसे केसों में मुदई जो है ना वो खुद बन जाते हैं और मुदई ये खुद बने, पुलिस आके बयान ले, और इंशाल्लाह लड़की अकेली नहीं है, अब इसके साथ पाकिस्तान नहीं है, इसके साथ पूरी दुनिया है। मैं एक वो वर्कर हूँ इंसानी हकूक का, इंशाल्लाह ये अब अकेली नहीं है, इसकी ज़िंदगी, इसका मुस्तकबिल जो है, इसने मेरे साथ ख्वाहिश की है कि मैं सिलाई सेंटर बनाऊंगी, तो मैं इंशाल्लाह इसको सिलाई सेंटर भी मुकम्मल तौर पे बना के दूंगा, इसको बुटीक का काम शुरू करवाऊंगा, इसके साथ मैं खड़ा हूँ, और जब ये 18 साल की होगी इसका ID कार्ड बनवाऊंगा, इसका बे फार्म बनवाऊंगा, और इंशाल्लाह इसकी शादी भी करूंगा और आपको भी इंशाल्लाह इन्वाइट मैं करूंगा। देखें सुलह के लिए तो बात एक ही आती है, मैं हूँ या कोई अदालत है या पुलिस स्टेशन है, अगर ये कहती है कि मैंने जाना है या मैं केस छोड़ देती हूँ तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ अगर ये कहती है कि मैंने सुलह नहीं करनी, मैंने इनको सजा दिलवानी है और मैं जो है अपने मौक़ों पर कायम हूँ, तो मैं इससे बढ़कर इसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा अभी आप बिल्कुल अकेले हो, अपने केस को आपने खुद देखना है, उसके बाद बाबा शफीक डोगर व शेल्टर होम का ये पूरा अमला तो आपके साथ है, इसी हम भी आपके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि देखने वाले जितने भी लोग हैं वो आपका साथ दें ताकि आपको इंसाफ मिल सके। अगर आपको इंसाफ मिल जाता है और आपके पेरेंट्स सुलह करना चाहते हैं तो क्या आप उनके साथ दोबारा जाना पसंद करेंगी? नहीं नहीं, जब से मैं 5 साल की थी मैंने धिक्के लेने शुरू किए, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, अब मैं बाबा शफीक डोगर मेरे साथ है, अब मैं यहीं रहूँगी, मैं किसी कीमत पर भी नहीं जाऊँगी और इनके ऊपर केस करके इनको सजा दिलवाऊँगी। बिल्कुल सजा होनी भी चाहिए इनको, ये सजा के मुस्तहक भी हैं। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो उसके आगे फिर फ्यूचर का क्या सोचा हुआ है, क्या करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं? मैं पढ़ना चाहती हूँ और सिलाई का काम करना चाहती हूँ। पहले स्कूल कभी गई हैं आप? जी 5 पढ़ी थी और मेरे अब्बू ने मेरी जो सुतेली ममता थी उसने मेरे छुड़वा लिया। आगे सिलाई सेंटर अपना बनाना चाहती हूँ। जी जी, इस केस को देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि हम शायद अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। इसकी क्या बड़ी वजह है कि हमारी दीनी तालीम बहुत कम हो गई है, हमारी तरबियत बहुत ना होने के बराबर है, हम दीन से बहुत दूर हो गए हैं, शायद यही वजह है कि अपने हम बच्चों को तालीम और तरबियत जो है वो सही तरीके से नहीं दे पा रहे, तभी तो इतनी छोटी बच्ची अपनों के हाथों, अपने सगे रिश्तों के हाथों इतनी जलालत और इतना बर्बरियत उसके साथ होती रही कि वो थक हार के हवा शटर होम में। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बाबा शफीक डोगर का, जो भी ऐसी मजलूम बच्ची आती है वो सिवाय इसके और यहाँ सरगोधा में कोई पनाहगाह नहीं है जो इनके सर पे हाथ रख सके, वो वाहिद ये इदारा है हवा शेल्टर होम, जहाँ पे ऐसी बच्चियों को आके पनाह भी मिलती है, उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचा जाता है, उनके आगे पूरे मुस्तकबिल की प्लानिंग होती है यहाँ पे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की कि इन्होंने ये एक ऐसा इदारा आप दिया है। इससे बड़ी बात यह है कि इससे पहले कि ये बच्चियाँ यहाँ पे पहुँचे, हम इस तरह के मुजालिम के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, इन मुजालिम के ख़िलाफ़ हमें बोलना चाहिए ताकि किसी और बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना हो सके। आखिर कब तक हवा की बेटी ये जुल्म और ये बर्बरियत सहती रहेगी? मेरा काम था आपको स्टोरी दिखाना और हम ये चाहते हैं कि आप सब मिलके इस बच्ची का साथ दें। तो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर किसी नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।